भवारना के निकट विनीत पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में 97 लाभार्थियों को हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा में गैस कनेक्शन वितरित करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि प्रदेश की गृहिणियों को बीमारियां, प्रदूषण और रोजमर्रा के अनावश्यक श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है। इस योजना में 2,92,000 पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। गृहिणी सुविधा योजना इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना में लगभग 60,000 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने पर लगभग 21 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुलह हलके में अब तक 3400 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इस पर 1,17,00,000 रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष में नए पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने और मुफ्त रिफिल देने की व्यवस्था को यथावत रखने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसके ऊपर कुल लागत आई सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी आज की तारीख तक 3,342 ऐसा कनेक्शन जो है निःशुल्क दिए जा चुके हैं, जिसके ऊपर लगभग 1,16,97,000 रुपया इस गैस कनेक्शन वितरण के ऊपर ही खर्च हुआ। तो 3300 लोगों को तो मिला, रिकॉर्ड हमारे पास है, और जिनको मिला है उनका मन भी जानता है, उनका उनका परिवार भी जानता है। तो सरकार इस प्रकार की योजनाएं निरंतर चलाती रहती है और उन योजनाओं का लाभ अवश्य मिलता है। अब अगर यहां पर कुछ ऐसे हैं, 5,61,00,000 रुपया मंजूर हुई है। इस योजना के तहत 2 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। वैसे इन सारे इलाके जहां ट्यूबवेल लगा दें, असम और पानी पालपुर के लिए वहां ट्यूबवेल लगाई गई, इस इलाके के ही लोगों को उपलब्ध कराना है। और 4 नए ओवरहेड टैंक भी इसी स्कीम च बनाए जाने, पुरानिया सारिया पाइप बदलनिया है। यही मैं निवेदन करना चाहता, बरसात का समय है, वहां सुरक्षित रह, वैक्सीन नहीं लगाया ऐसे लगाई लें, मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं होया, थोड़ा की जरूरत थोड़े बच्चे तो भी है, परिवार जो भी है, रिश्तेदार जो भी है। इस कारण अगर हम सुरक्षित रहना चाहते तो हर टीका के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिते, हम नियमों का पालन करें और मास्क लगाए करें, कुछ दूरी पर है, हथा जो बार बार धोन, यही मैं निवेदन करना चाहता। सारे इतू आए सारे विभागों के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। और उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब बेटियों की शादी में अनुदान के लिए शगुन नाम से एक नई योजना आरंभ की है, जिसमें बेटी के विवाह के लिए 31,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की ओर युवाओं को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का विस्तार और बजट में बढ़ोतरी कर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 50,000 से 1 करोड़ तक का अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें पुरुषों को 25%, महिलाओं को 30% और विधवा महिलाओं को 35% तक अनुदान का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। उन परिवारों को देना चाहते हैं, ऐसी बहनों को हम पेंशन लगाना चाहते हैं जिनके परिवार में कोई पेंशन धारक नहीं है। 70 साल के बुजुर्गों को पेंशन लगाने का काम हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सरकार बनने के बाद शुरू किया। पहले 80 साल होती थी उम्र, कोई 80 साल तो जिनकी उम्र होती है वो बड़े भाग्यशाली है। तो हमने भी पता किया, उन्होंने कहा नहीं जी 80 साल नहीं, 70 साल उम्र करीब। अब हिमाचल प्रदेश में जितने भी 70 साल के बुजुर्ग थे उनको अपने
तहसीलदार साहब या अपने पटवारी से इनकम तस्लीम नहीं करवानी पड़ेगी। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 2 हैं, उसकी भी कोई कंडीशन नहीं होगी। अब जैसे हमारे मंडलाध्यक्ष जी ने कहा कि 16 विधानसभा क्षेत्र में लगभग अभी 2 महीने पहले 800